तो बना दिया, वहां उन लोगों को जाना चाहिए, आप भी मशवरा दीजिए उनको, बिना किसी तकलीफ देते हुए वह निकल जाए। दूसरा बात, आपने जो रखा है एयरपोर्ट के पास और दूसरे जगह जो काफी जायदाद है 16-17 एकड़ का, हम वहां भी फ्रूट मार्केट बसाया जा सकता है, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। मैं निरंजन रेड्डी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, महमूद अली साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप तीनों लोग बैठिए, उनको बुलाइए, बात कीजिए, उसमें कोई शर्त वर्त नहीं होना चाहिए। अकबर साहब, जब सरकार एक अच्छा काम करना चाहता है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहता है आगा के प्रॉब्लम्स को नज़र में लेते हुए, तो इसमें शर्त वर्त नहीं रहना चाहिए। सिटी में जितने फ्रूट मार्केट बढ़े, जितने जगह बढ़े, बिकॉज हमारा शहर बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, बेहतर बात है। अगर ये लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है, बिल्कुल वहाँ इंतजाम कर देते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं, और काफ़ी जायदाद है, अगर वक्फ बोर्ड सहमत है तो उनको किराए का भी कुछ मुकर्रर करते हैं, उस हिसाब से एक प्लान बनाइए, एक मंसूबा बनाइए, बिल्कुल हम उससे सहमत है। उस तरफ भी फ्रूट मार्केट आ जाए तो उस तरफ के शहर के लोगों का भी फायदा भी हो जाएगा। इसलिए महमूद अली साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और निरंजन रेड्डी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, दोनों मिले और आप भी मिले, बातचीत करें, कुछ उसका एक नतीजा निकाले, तो बिल्कुल सरकार उसके लिए तैयार है। अब अमृत सिटी का भी मैंने बता दिया, स्मार्ट सिटी का भी मैंने बता दिया, काम जारी है, उसमें केंद्र सरकार भी कुछ पैसे आया है, राज्य सरकार ने भी कुछ पैसे जोड़ा है, दोनों के तहत अब तक 1753 करोड़ खर्च हुए हैं, आगे भी जैसा जैसा काम होना है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट किया जाए। आप ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से कर सकते हैं, बहरहाल उसमें कई चीजें हैं, अगर आप इजाजत देते हैं तो बैठकर एक मीटिंग कर इस मसले की एक सुई की जा सकती है। अगर आप इसके लिए मंजूरी देते हैं तो मैं समझता हूं कि 16 एकड़ वक्फ की जमीन का भी तहफ़ हो जाएगा, वक्फ बोर्ड को भी उसका किराया अच्छा आएगा और फ्रूट वेंडर्स का भी मसला हल हो जाएगा। और मैं यहां खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं कि हम उन फ्रूट वेंडर्स को वहां से खाली कराकर दूसरी जगह ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है, ताकि वहां पर एक अच्छा सा अच्छा हॉस्पिटल बने, बशर्ते कि उनका यह मसला हल हो जाए। एंड सर, I would also like to request once again reiterate the demand of my party for comprehensive scheme for regularization of encroached lands on lines of GO 58 and 59, revival of building regularization scheme, reopening the layout regularization scheme once again, providing one time opportunity to the unassessed property owners to get their properties assessed for property tax, and one time opportunity to the owners of property under notarized transactions to get their properties registered on the lines of saida bainama for the agricultural land transactions. Sir, ye bahut hi ahem masla hai, isse pehle bhi hum uthaye the, ummeed karte hain hukumat ki janib se is pe hamdardana gaur kiya jayega, aur ये भी मैं जरूर कहूंगा कि ऑन अकाउंट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रेवेन्यू एक्ट एंड म्युनिसिपल एंड पंचायत राज अमेंडमेंट एक्ट एंड द TSB पास बिल्डिंग परमिशन एक्ट, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर फेसिंग डिफिकल्टी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन अंडर धरनी पोर्टल फॉर ऑब्टेनिंग बिल्डिंग परमिशन अंडर BPAS। ये नोटराइज डॉक्यूमेंट के मसले को अगर आप हल करते हैं, और बिल्डिंग रेगुलराइजेशन मैं जानता हूं कि कोर्ट में है, एक अगर उसको परस्यू करेंगे तो हमको रेवेन्यू भी आएगी और काफी गरीबों का इसमें फायदा होगा। और उसके साथ साथ सर, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो ग्रेटर वरंगल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में लिया गया था, और उसके साथ साथ अमृत प्रोग्राम भी 12 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एंड म्युनिसिपालिटीज में लिया गया था, तो इसका स्टेटस क्या है? और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फंड्स सैंक्शन हुए हैं अंडर दी स्कीम्स और नॉट।